मैं हूं सईद अख्तर, आप देख रहे हैं सईद अख्तर यूट्यूब चैनल। प्यारे दोस्तों, बाबर आजम ने कमाल कर दिया। बाबर आजम से इरफान पठान ने इंटरव्यू लेने की कोशिश की तो बाबर आजम ने कहा, जो मेरे मुल्क के ख़िलाफ़ है, जो मेरी टीम के ख़िलाफ़ है, उस बंदे को मैं इंटरव्यू नहीं दे सकता, चलो भागो। अगर इरफान पठान में थोड़ी सी भी गैरत होती, उधर ही ये चुल्लू भर पानी लेता, उसमें नक डबोता और ऐसे डबो कर मर जाता। इरफान पठान मर जाते, गैरत होती तो डूब कर मर जाते। आपको, आप किस टीम के खिलाफ भंगड़े डाल रहे थे? अफगानिस्तान के खिलाड़ियों के साथ आप नफरत का इजहार कर रहे थे, पाकिस्तान के साथ? आपको जवाब तो इतना दिलेराना और इतना पावरफुल जवाब मिला है, अगर आप में गैरत हुई तो आप डूब कर ज़रूर मरेंगे। मुझे यकीन है इरफान पठान, आप डूब कर लाजमी मरेंगे। आपको गैरत हो तो आज ही उस चैनल से आप चले जाएं। चैनल की भी आपने कख नहीं छोड़ी, चैनल के पल्ले भी कख नहीं बचा। आपकी इतनी बड़ी बिस्ती हुई है, इतनी बिस्ती हुई है, आप क्रिकेटर कहलाने के लायक ही नहीं है इरफान पठान। तुम्हारा मेयार ही नहीं है बाबर आजम से इंटरव्यू कर सको तुम। तुम पहले जाओ बाबर आजम के मेयार पर उतरो, तब जाकर इंटरव्यू लेना। जे अगर आप इरफान पठान, आपके अब थोड़ी सी बेगैरत है इसमें पानी डालना और डूब कर मर जाना, इसमें इतनी बड़ी तुम्हारी बिस्ती है, आपकी अपनी वजह से तुम्हारी इतनी बिस्ती हुई है। पता चला पाकिस्तान कोई गली मोहल्ले की टीम नहीं है, पाकिस्तान जिसको कहते हैं पाकिस्तान, आपकी तरह गेंदों में दो नंबरी कर कर मैच नहीं जीते। हम अपनी परफॉर्मेंस से मैच जीते हैं, हम अंपायरों को साथ मिलाकर नहीं जीते। अगर आपने अंपायरों को साथ मिलाकर अफगानिस्तान को मैच जिता दिया तो क्या हो गया? मेरठ पर खेलो, गैरत है तो मेरठ पर खेलो, बालों में दो नंबरी कर कर ना खेलो।